बहुत बहुत शुक्रिया अस्मी और सभी साथियों को स्वागत जन सरोकार की तरफ से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक साथ आने का एक मौका है और एक प्रक्रिया है जिसमें हम 30 समाज के आंदोलन सामाजिक आंदोलन इकट्ठे होके 2019 से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिस इज अ वार्म वेलकम टू एवरीवन फ्रॉम जन सरोकार। This is an important collaborative process which has brought together 30 social movements and we've been together since 2019. सामाजिक आंदोलन बार बार अपने समझ और अपने क्षमताओं को साकार करके सामने रखते हैं और हमें लगता है कि इनको नीति निर्धारण में भी उतनी ही भूमिका निभानी चाहिए जितना क्रियाओं में निभाते हैं। Social movements have time and again proved that they have a great understanding of their particular specific areas of work and should indeed be involved in social policy. हम लोगों को एक दूसरे से मिलकर और हमारे एक एक मुद्दे का जो पेचीदा रूप है उसको समझना जरूरी होता है, एक दूसरे को मुद्दों को समझना जरूरा होता है और एक एक बड़ा छवि और हमारा बड़ा एक जो चित्र है उसको समझने की जरूरत बार बार हम महसूस करते हैं। जन सरोकार एक ऐसा मंच है जो इसको साकार करने की कोशिश करती है। We need to interact with each other to understand multi-dimensional issues, to get an overall composite picture from time to time. Jan Sarokar has provided us that platform. आज हम लोग उस रास्ते में वापस आ रहे हैं एक वैकल्पिक दृष्टि को समझने के लिए जो हर एक व्यक्तिगत और सूक्ष्म तरीके से जो हम जिस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उससे हटकर दूसरे से समझने की और अपने भी बात रखने की कोशिश है। कमिंग टुगेदर स्टार्टेड अस ऑन अ रोड टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव विजन व्हिच इज पीपल बेस्ड एंड क्रॉस सेक्टोरल। टुडे वी कम अगेन टू एक्सप्लोर सच पॉसिबिलिटीज। अब तक हमारे सारे राष्ट्रीय स्तर के ये मंच बना हुआ है और इसमें सारे राष्ट्रीय मंचों का एक जुट होकर एक बात पर विचार विमर्श करने की एक मदद करने का एक मंच रहा है। पिछले जनता पार्लियामेंट में भी सारे राज्यों में जो हमारे जो मंच हैं उनको भी इकट्ठा करके राज्य और राष्ट्रीय दोनों लेवल पे एकजुट होकर कुछ मत बनाने की कोशिश की है। Exercise so far have been national. National networks and sectors have come together. In the last Janata Parliament, state level networks were also brought together. So now there is an intersectional connect between the state and central issues. 2019 में तालकटोरा स्टेडियम में हमने एक चार्ज शीट बनाकर एक वैकल्पिक दृष्टि का शुरुआत किया था। उसके बाद जन सरोकार ने चार बार बड़े मेजर पब्लिक इवेंट्स का आयोजन किया है। We've been together since 2019. We first met in the Talcottora Stadium and we presented a charge sheet to the government and an alternative vision. Jan Sarokar has held four more major public events since then. अस्मी ने इसका तो एक बार जिक्र किया, मैं जल्दी से उसको कह देती हूँ। 2020 में हम लोगों ने जंतर मंतर में बजट पेश करने का आज हम मिले थे, हम लोग पिछले साल मिले थे। फिर पैंडेमिक के दौरान और उसके बाद में एक पार्लियामेंट नहीं बुलाने की वजह से हमने पहला जनता पार्लियामेंट का आयोजन किया था। फिर उसके बाद में किसान सेशन हमने आयोजित किया था, वो भी जनता पार्लियामेंट का ही था। अब 2021 का बजट सेशन का एक आयोजन है। In 2020, the first budget was presented at Jantar Mantar. For the second was the post-pandemic when Parliament was not being held. It was the first Janata Parliament. The special Kisan session of the Janata Parliament was held subsequently, and today it is the 2021 budget session of the Janata Parliament. हमारे बहुत समझ है, हमारी जानकारी है, हमारा ज्ञान है, और जो अभी आने वाले तीन दिन में हम जो लोगों को सुनेंगे वो सब अपने अपने जगह बहुत ही विशेष समझ और विशेषज्ञ हैं। There's a wealth of knowledge, understanding, and excellent speakers who are coming together over the next 3 days will share their knowledge and understanding with us. प्रवीण झा जो चेयर है CBGA के, वो सबसे पहले अपना विचार देंगे और सामाजिक आंदोलन और बजट के बारे में वो बोलेंगे। Praveen Jha, chair of CBGA, will give an overview of social movements and budgets. उनको सोपनेक से पहले मैं जल्दी से हर एक दिन क्या होगा उसका जल्दी से एक मिनट में अपने बात आपको बताना चाहती हूँ। पहला दिन होगा सेशन जिसमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पोषण, पेंशन और शिक्षा के ऊपर होगा।
The first session on day one will cover health, food security and nutrition, pensions and education. दूसरे दिन का सेशन होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यापक इकोनॉमिक्स, उद्योग, श्रम और रोजगार के बारे में होगा. सेकेंड सेशन होगा, दूसरे दिन नहीं, सेकेंड सेशन. डे टू सेशन थ्री, डे वन सेशन टू में एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के ऊपर बात होगी, कृषि और पर्यावरण पर बात होगी आज. दूसरे दिन पे सेशन थ्री जो है वो व्यापक इकोनॉमी पे बात होगी, उद्योग और श्रम और रोजगार के ऊपर बात होगी. और डे टू के चौथा सेशन जो होगा उसमें बहिष्कृत समुदायों के बारे में बात होगी. ऑन डे टू सेशन वन विल कवर मैक्रो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड सेशन फोर विच इज द सेकेंड सेशन ऑन डे टू विल कवर एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज. तीसरे दिन जो सेशन पांच होगा उसमें राजस्व और संसाधन जुटाने का जो तरीके हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं उसके ऊपर बात होगी. ऑन सेशन डे थ्री सेशन फाइव रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन विल बी इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे. लास्ट सेशन सेशन सिक्स डिमांडिंग, वो सेशन सिक्स हिंदी में, कि बढ़ती असमानता और सामाजिक आवश्यकता के समय में पुनः वितरण के बजट की मांग क्या होगी उसके ऊपर बात होगी. सेशन सिक्स विल बी डिमांडिंग अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव बजट इन द टाइम ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड सोशल नीड. हमारे बारे में कहा जाता है कि हम जैसे कोई सपनों का मांग हो उस तरीके से अपने मांग को रखते हैं और बजट उस तरीके से बनाते हैं, मगर इस बार हम कोशिश करेंगे कि पैसा कहाँ से आ सकता है उसकी बात भी करें, केवल खर्चा कहाँ होना चाहिए उसकी बात ना करें. और हम ऐसा एक ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे जो पुनः वितरण की ओर हमारे विचारों को ले जाए. There's been a big criticism that our budgets look like wish lists because each session knows what it needs but does not project of where the resources could come from. This time there's a session on resource generation, working towards a framework that redistributes resources in a more equitable manner in a very unequal society. अब मैं प्रवीण झा से निवेदन करती हूँ कि वो अभी अपना विचार हमारे सामने रखें. I request Praveen to share his views with us on the overview of social movements and budgets. Thank you.